Hey, Cosmo. Cosmo, bark. 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 Good boy, good boy, good boy. Good boy. Cosmo. Suspected. Suspected. Hey, Cosmo. 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 Thank you. Want a big? Big. अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ गार्डिंग डॉग जो है डोबरमैन ब्रीड. अगर वैसे कोई आता है तो उसे कुछ नहीं बोलेगा, पर जैसे ही कोई हाथ लगाता है तो क्या रिएक्शन होगा, तो वीडियो की तरफ ध्यान रखिए. अभी जो है पास आ गया, ये कुछ नहीं बोलेगा स्ट्रेंजर को. ऑस्मो अब हाथ से धक्का दे थोड़ा. तो ये जो है ये ट्रेन डॉग की खासियत होती है, वो बेवजह घर में कोई आए तो उसमें भौंकता, अटैक नहीं करता. यहाँ पे ही जाओ तो अटैक नहीं करता, लेकिन जैसे ही कोई आपको टच करेगा ये उसको चीरने फाड़ने को तैयार हो जाएगा. तो डॉग को सोशलाइज रखना और वेल ट्रेन रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक डेंजरस ब्रीड पाल रहे हो डोबरमैन जैसे. तो ये इसका रिएक्शन होता है अपने ओनर को लेके, काफ़ी लॉयल होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होता है. तो ऐसी ब्रीड जब पालें तो उसको वेल ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू. ओके अभी मैं दिखाता हूँ ये शेरा. अभी बच्चे जो है वैसे कुछ ये ज़्यादा डरती है, बच्चों से वैसे बहुत प्यार करता है, वैसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही मैं बेटे को हाथ लगाऊंगा उसका रिएक्शन देखना क्या होगा. वस्मो पटाई कर दूँ इसकी. वस्मो इसकी पटाई कर रहा हूँ मैं यश की, देख. तो इसका रिएक्शन देखो आप. बच्चों को मुझे भी हाथ नहीं लगाने देते हैं. अब देख बेटी बेटी को मैं हाथ लगाता हूँ. नहीं यशी उधर, यशी को मार रहा हूँ मैं. कॉस्मो देख, कॉस्मो देख इसकी पटाई कर. ये खासियत होते हैं अच्छे गार्ड डॉग की, वो आपके लिए इतने लॉयल होते हैं, इतने प्रोटेक्टिव होते हैं कि अगर कोई आपके पास भी आए आपको हाथ लगाए तो फिर उसको छोड़ने वाले नहीं है. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर डॉग जस्ट लाइक अ फैमिली. थैंक यू सो मच. चेन खोल दे. क्रिश तू मेरे पास आ जा, मेरे साथ पीछे खड़ा हो जा. तो भागियो मत. रन. ए बॉय. Run. Run. हाँ कोई ना हो, जहाँ किराएदारों के बच्चे तो नहीं है. मुझे देना, मुझे दो. ये ले. आप और मैं कैच एंड कैच खेलते हैं. अब इसको जो हम थोड़ा गेम कराते हैं. ले वीडियो बनाते रहिए. हाय. तो यार आप लोग कहते रहते हो ना स्ट्रीट डॉग्स के कभी दिखाओ, तो ये हैं प्यारे स्ट्रीट डॉग्स जो काफी प्यार करते हैं और काफी खेलते हैं मेरे पास आके. हेलो बेबीज. हाय कोको. कोको इधर आ. ठीक से दे रही हूँ फोकस करके. ये रे
Here's the game. Hey, jump. Oh, jump, 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 jump. Good girl, good girl. You jump, 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 jump. Good girl. Coco, le. Coco, Coco, jump. I know. Hey, good girl. Get it, get it. Here's the game. Here's the game. आप हमेशा पूछते हैं कि क्या डोबरमैन जो है फर्स्ट ओनर के लिए सही है कि नहीं है, तो मैं बता दूं कि डोबरमैन जो है फर्स्ट ओनर के लिए यस भी है, नो भी है. यस तब है अगर आप फिजिकली और मेंटली काफ़ी फिट हो, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी डोमिनेटिंग है, तब तो आपके लिए फर्स्ट ओनर के लिए ठीक है. और आपके घर में हर कोई डॉग लवर है, हर कोई इससे प्यार करता है. अगर आपके घर में कोई डॉग से प्यार नहीं करता, लव नहीं करता, और आप जो है सिर्फ उसको शौक के तौर पे लाना चाहते हैं और टाइम नहीं दे पाओगे, तो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. थैंक यू सो मच गाइस इफ यू आर वाचिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज आपको जो नॉलेज इस चैनल पे मिलती है एक नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, लाइव डॉग के साथ, वो मुझे लगता है कि हर एक किसी चैनल पर आपको नहीं मिलती. आपको यहाँ पर PPT या स्लाइड शो के साथ नॉलेज नहीं दी जाती, यहाँ पर प्रैक्टिकली हर एक ब्रीड के डॉग के साथ एक नई नॉलेज मिलती है. तो चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करके नए नए वीडियोज़ आप जो है देखते रहें, और अपने कमेंट्स के थ्रू अपना रिव्यू देना कभी ना भूलें. आपके कमेंट्स पढ़ के आप जब अच्छी बातें उस पर शेयर करते हो डॉग्स के बारे में, अपने पेट्स के बारे में, तो काफ़ी इमोशनल भी होती हैं, काफ़ी लविंग भी होती हैं, तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है. तो ये जो डॉग लवर्स हैं, अपने डॉग्स का ध्यान रखें, टाइम पर उनकी चीज़ें मेंटेन रखें और उसकी केयर करते रहें गाइस. And subscribe to our channel Royal Soldier. Thanks for watching guys. Jai Hind.